भजन संहिता अध्याय 49। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो। हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं बीड़ा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसका घर वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। आमीन।